दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सोहन और आप देख रहे हैं पटवा गार्डनिंग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है, देखिए कितना बड़ा है साइज़ इसका। ये ज़मीन में लगा है इसलिए ये बड़ा भी हो गया है और कलियां भी अच्छी आ गई हैं इसमें। देखिए कितनी सारी कलियां आई हैं, ये देखिए, और फ्लावरिंग भी अच्छा कर रहा है ये। ये देखिए इसमें कुछ मिलीबग का भी अटैक होता है, देखिए इस तरह से मिलीबग का भी अटैक होता है। इसे मैं पानी के प्रेशर से निकाल देता हूँ। और ये गुच्छे वाला है, रेड वाला, ये देखिए कितना सुंदर है ये। इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती लेकिन कम होती है, लेकिन बहुत ही अच्छा सुंदर दिखता है। कभी 2, 3, 4, 5 इस तरह से फूल खिलते हैं इसमें, एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं खिलते हैं लेकिन अच्छे चल रहा है ये। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, कलियाँ बहुत सारी हैं इसमें भी, बहुत सारी कलियां हैं, हर ब्रांच में इसमें कलियां दिखेंगी। और ये मेरा ऑरेंज कलर का है ये, इसमें ये देखिए इसमें भी जो है, इसकी प्रूनिंग कर दिया था मैं, इसकी प्रूनिंग पहले मैं कर चुका हूँ इसलिए थोड़ा सा इसमें अभी कलियां नहीं आई हैं। और ये क्रीम कलर का है, इसकी भी प्रूनिंग कर दिया हूँ। ये देखिए इसमें भी ब्रांचेस बहुत सारी आई हैं ये, और कुछ दिनों में इसमें फ्लावरिंग भी होने लग जाएगी। और एक इसकी भी अभी प्रूनिंग किया हूँ, इसमें भी देखो ब्रांचेस निकलने लगी हैं। ये देखिए ये ब्रांचेस निकल रही हैं बहुत सारी, यहाँ से मैंने सब प्रूनिंग कर दिया हूँ, इसकी भी ब्रांचेस निकल रही हैं। ये देखिए ये भी गुच्छे वाला लाल वाला है, कुछ यहाँ पर भी लगे हुए हैं, इनके भी मैंने प्रूनिंग किया था, इसमें भी कलियाँ आ रही हैं धीरे धीरे। ये देखिए एक कली यहाँ पर दिख रही है मुझे ये। और ये है गुड़हल की कुछ कटिंग्स जो मैंने बारिश में लगाई थी, मानसूनी सीजन में मैंने इसको लगाया था और ये अच्छी ग्रो कर गई हैं। ये देख सकते हैं आप, इसके साइड में एक तुलसी का पौधा भी निकल गया है। और ये देखिए दूसरी कटिंग, ये देखिए कितनी अच्छी ग्रो कर रही है। और ये इसमें दो लगी हैं, इस ये पॉलीबैग में लगी हैं सारी, ये दो लगी हैं इसमें और अच्छी ग्रो कर रही हैं ये सब। 2-4 दिनों में मैं इन्हें शिफ्ट कर दूँगा, पॉट में लगा दूँगा। पर आज मैं बात करने जा रहा हूँ हाइब्रिड गुड़हल की, जो मैंने पिछले बार रिपोर्टिंग किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये लुकिंग कुछ इस तरह से है, ऊपर जो है सॉन्ग ऑफ इंडिया के प्लांट रखे हैं और नीचे ये लक्ष्मी कमल का जो प्लांट है मेरे पास में। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर दिख रहा है, मैंने इस तरह से सजाया है इसे। और इसी के बाजू में ये रखे हैं मेरे गुड़हल के जो है हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं, जो मैंने पिछली बार जो रिपोर्टिंग किया था वो सब अभी अच्छे चल रहे हैं। ये देखिए सभी में जो है ब्रांचेस आने लगी हैं और फ्लावरिंग भी अच्छे कर रहे हैं ये। जब से मैंने इन्हें लगाया है तब से ये रेगुलर फ्लावरिंग कर रहे हैं, इनमें बराबर जो है कलियां आते रहती हैं और फूल खिलते रहते हैं। ये ऑरेंज है ये डबल पैटर्न का, और ये सिंगल पैटर्न का पर्पल कलर है ये। जब फूल खिलता है तब बहुत ही सुंदर दिखता है इसमें। इन प्लांट्स का मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूं, मैंने कैसे रिपोर्ट किया है इन्हें। जब मैंने वीडियो बनाया था तो 6 प्लांट मैंने रिपोर्ट किया था, बाद में फिर मैंने 2 प्लांट और लेकर के आया और उन्हें भी रिपोर्ट किया। और ये देखिए पूरे 8 प्लांट मेरे पास में ये पूरे सक्सेस हो गए हैं और अच्छे चल रहे हैं। इनमें सभी में बर्ड्स आ रही हैं और फूल भी खिल रहे हैं। कुछ बड़े से कीड़े आते हैं उड़ने वाले, जो ये पत्तों को खाते हैं, इसलिए इसके पत्ते ऐसे दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप सभी प्लांट्स में ब्रांचेस निकल रही हैं, ये देखिए सभी में निकल रही हैं, एक भी प्लांट मेरा ऐसा नहीं है जो कि इसमें ब्रांचेस ना निकलती हों। ये देखिए ये भी शुरुआत हो गई है इसमें भी। और यहाँ पर प्रॉपर धूप नहीं आती है, यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे 2.5 घंटे की धूप आती है सुबह के समय। मैंने इन प्लांट्स की लाल वाली मिट्टी को निकाल करके रिपोर्ट किया था, और कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह से प्लांट लगाने पर सक्सेस नहीं होते हैं। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि देखिए मेरे प्लांट कैसे लग रहे हैं और सुंदर दिख रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं, सारे प्लांट फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। जैसे ही इनकी फ्लावरिंग होगी मैं अगले वीडियो में इनकी अपडेट ज़रूर दूँगा। और अब इन प्लांट्स के लिए हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, और हम इसको बदल बदल के दे सकते हैं। कभी हम वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड बना करके दे सकते हैं, और कभी किचन कंपोस्ट का जो लिक्विड निकलता है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं, या फिर एलोवेरा का जूस निकाल करके हम इसको इसमें दे सकते हैं।
सीवीड का भी हम इसमें उपयोग कर सकते हैं लिक्विड में। सारी चीज़ें हम बदल बदल के दे सकते हैं। जिस तरह से हम अपने लिए हर रोज़ अलग अलग किस्म का भोजन बनाते हैं, उसी तरह से इन पौधों के लिए भी अलग अलग किस्म के इनकी खाद होना चाहिए। 7 दिन में एक बार इसमें नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें, उससे इसमें कोई एफिड्स अटैक नहीं होगा और ये पौधे अपने आप को फूल देने से रोक नहीं पाएंगे। और दोस्तों, ये फ्लावर कई कलर में मिलते हैं और इन्हें आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। सबसे ख़ास बात इस प्लांट की यह है कि ये पूरे वर्ष भर फ्लावरिंग करते रहते हैं। अगर आप इनकी केयर अच्छे से कर रहे हैं तो ये प्लांट आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। और दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा पर मेरा चैनल बड़ा ज़रूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार। जय हिंद।